दादा का नाम पृथ्वीराज कपूर, पिता का नाम राज कपूर, चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर। उस दिन बंबई के माटुंगा इलाके का वो घर जहां ये सभी लोग मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे एक गुड न्यूज का। 4 सितंबर 1952 वो लम्हा भी आ ही गया जिसका सभी परिवार के सदस्यों को इंतजार था। उस दिन गुलाबी गालों वाले एक गोल मटोल बच्चे ने जन्म लिया। घर में बस खुशी का आलम था। पापा राज कपूर ने उस बच्चे का स्वागत शैंपेन की बोतल खोलकर किया। बच्चे का नाम रखा गया चिंटू उर्फ ऋषि कपूर। बचपन से ही घर में फिल्मी माहौल मिला। न सिर्फ पिता के परिवार से सब लोग फिल्मों से जुड़े थे बल्कि माँ कृष्णा कपूर के मायके वाले भी नामचीन फिल्मी लोग थे। जब इतना गहरा फिल्मी माहौल हो तो पढ़ाई लिखाई तो क्या ही होती। स्कूल का मुंह देखने से पहले शूटिंग स्टूडियोज के दर्शन हुए। फिल्म श्री 420 की शूटिंग के दौरान प्यार हुआ इकरार हुआ गाना तो आपको याद ही होगा। ये तीनों बच्चे थे रणधीर कपूर, बहन रितु कपूर और खुद ऋषि कपूर। उम्र थी महज 2 साल। फिल्म की हीरोइन थी नरगिस। गाने के बोल थे मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। उस वक्त गाने की शूटिंग के वक्त बारिश में भीगना था। तीनों बच्चों को बारिश में चल कर आना था लेकिन छोटे से ऋषि कपूर को पापा ने शूटिंग के लिए खड़ा तो कर दिया मगर पानी आंखों में जा रहा था। नन्हे ऋषि कपूर ने शूटिंग करने से मना कर दिया। नरगिस ने उपाय खोज निकाला। कुछ कैडबरी मिल्क चॉकलेट मंगाए गए। अब हर रीटेक के समय वो कैडबरी चॉकलेट कैमरे के पीछे से उन्हें दिखाती जिसका मतलब था कि ठीक से शूट करोगे तो चॉकलेट तुम्हारी। योजना सफल रही। दादा पृथ्वीराज कपूर रंगमंच करते थे मगर ऋषि ने कभी थिएटर तो नहीं किया। मगर हाँ जब वो 5 साल के हुए तो पृथ्वी थिएटर में दीवार नाम के एक नाटक में बहुत ही छोटा सा दृश्य किया। उस दृश्य में माँ की भूमिका निभाने वाली कलाकार की गोद में केवल लेटे रहना था। बस रंगमंच पर वही उनकी पहली और आखिरी भूमिका थी। ऋषि जब 16 साल के हुए तो पापा राज कपूर ने एक फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर। फिल्म में पापा ने अपने टीनेज वाला रोल करवाया बेटे ऋषि से। फिल्म उस वक्त फ्लॉप साबित हुई मगर ऋषि कपूर को मिला था जीवन का पहला अवार्ड, वो भी नेशनल अवार्ड। यहाँ एक किस्सा जोड़ना बनता है। दरअसल मेरा नाम जोकर की शूटिंग से पहले सभी लोग घर पर एक साथ खाना खा रहे थे। पापा राज कपूर ने ऋषि की माँ यानी अपनी पत्नी कृष्णा से पूछा कि अपनी अगली फिल्म के लिए एक छोटे से किरदार के लिए मैं चिंटू को यानी ऋषि कपूर को लेने का सोच रहा हूँ, क्या आपकी परमिशन है? पत्नी कृष्णा जी ने जवाब दिया ठीक है मगर बच्चे की पढ़ाई का हर्जा नहीं होना चाहिए। राज कपूर ने भी भरोसा दिलाया कि वो ऋषि के साथ शूटिंग शनिवार रविवार को ही प्लान करेंगे ताकि स्कूल की पढ़ाई का नुकसान ना हो। उस वक्त खाना खाते हुए चिंटू जी ने जैसे ही माता पिता की ये बातचीत सुनी तो खाना भूलकर सीधा अपने कमरे में चले गए। खुद को कमरे में बंद किया और एक कागज पेन लेकर बैठ गए अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने लगे। कहने का मतलब ये कि बालक चिंटू को समझ में आ गया था कि अब वो भी बड़े सितारे बन जाएंगे और उन्हें भी ऑटोग्राफ देने की आदत डाल लेनी चाहिए। मेरा नाम जोकर के बाद अभी उम्र महज 17 साल की हुई थी कि जिंदगी में एक लड़की आई। नाम था यास्मिन मेहता। ऋषि कपूर पूरी तरह से उसे लेकर सीरियस थे। रोजाना अपनी उस गर्लफ्रेंड से मिलना होता था। हालांकि उस वक्त ऋषि काफी मोटे थे। वो यास्मिन मेहता ही थी जिसने मोटे ताजे ऋषि कपूर को पतला करके ही दम लिया। यास्मिन ने उनके खाने पर कंट्रोल करवाया। वो कहती थी चिंटू तुम्हें खाना खाने से पहले एक भरी पूरी प्लेट सलाद खाना होगा जिसमें टमाटर खीरा ककड़ी जैसी चीजें होंगी और ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं। बस देखते ही देखते बचपन का गोलू मोलू एक बेहद स्मार्ट नौजवान बन चुका था। मैं 17 बरस का। फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। पापा राज कपूर भी अपनी उस वक्त की फ्लॉप फिल्म मेरा नाम जोकर से मूव ऑन होना चाहते थे। तभी उन्हें मिली एक टीनेज लव स्टोरी, एक युवा जोड़े की प्रेम कथा। पापा राज कपूर ने तय किया कि वो फिल्म का हीरो अपने हैंडसम बेटे ऋषि को बनाएंगे। फिल्म का नाम था बॉबी।
काफी तलाश के बाद फिल्म की हीरोइन बॉबी भी फाइनल कर ली गई। लड़की का नाम था डिंपल कपाड़िया। कहते हैं कि ऐसी कोई कहानी नहीं जिस पर या तो फिल्म ना बनी हो या लोगों ने वो कहानी ना सुनी हो। अगर अलग कुछ होता है तो वो होता है कहानी कहने का अंदाज। साधारण सी कहानी वाली बॉबी का अंदाज ही ऐसा था कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। पहली ही फिल्म की सफलता से ऋषि कपूर स्टार बन गए। बॉबी फिल्म के सुपरहिट होने के साथ ही एक शर्मनाक किस्से का यहाँ जिक्र करना बनता है। दरअसल ऋषि कपूर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1973 में उन्हें फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो कि उन्होंने गलत तरीके से हासिल किया था। ऋषि खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते थे। फिल्म बॉबी हिट भी हो गई थी, तभी एक व्यक्ति उनके पास आए और बोले, तुम अगर चाहो तो इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें 30,000 रुपए देने होंगे। ऋषि महज 21 वर्ष के थे और उन्होंने 30,000 रुपया देकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। हालांकि उस साल उस अवार्ड के असली हकदार फिल्म जंजीर के लिए बच्चन साहब हो सकते थे। इस तरह अवार्ड खरीदने का किस्सा खुद ऋषि कपूर ने बाद में शेयर किया और अपनी इस बेईमानी पर अफसोस भी जताया। उस साल 1973 में बॉबी जैसी सफलता हाथ लगी तो दूसरी तरफ दिल भी टूटा। हुआ यूं कि जैसे ही बॉबी हिट हो गई तो ऋषि के बारे में पत्र पत्रिकाओं में बहुत कुछ छपने लगा। लिखा गया कि ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया का अफेयर चल रहा है। ये सब बातें जब गर्लफ्रेंड यास्मिन मेहता के कानों में पड़ी तो उन्होंने ऋषि के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया। ऋषि कपूर यास्मिन से शादी करना चाहते थे, पर वो यास्मिन को यकीन दिलाने में नाकामयाब हुए कि उनका और डिंपल का कोई चक्कर नहीं है। कमाल की बात ये कि बॉबी के बाद उनकी अगली फिल्म जहरीला इंसान में उनकी हीरोइन थी नीतू सिंह। शूटिंग के वक्त सेट पर वो नीतू से आग्रह करते थे कि प्लीज यास्मिन को समझाओ कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। ऋषि कपूर के कहने पर नीतू सिंह यास्मिन के घर फोन भी लगाती थी, पर शायद यास्मिन अपना मन बदल चुकी थी। एक रात 10:30 बजे ऋषि ने खुद फोन लगाया तो फोन यास्मिन की माँ ने उठाया और जवाब दिया, ऋषि बेटा यास्मिन को भूल जाओ। किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। खैर, अपने उस ब्रेकअप के बाद ऋषि कपूर ने आगे चलकर अपनी को स्टार नीतू सिंह से ही शादी कर ली। जिंदगी आगे बढ़ती रही, फिल्में हिट भी होती रहीं और फ्लॉप भी, कई किस्से भी बने। अपने करियर में ऋषि कपूर ने खेल खेल में अमर अकबर एंथोनी, कभी कभी, कर्ज, हिना, दामिनी, बोल राधा बोल, चांदनी जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। अपनी कुछ आखिरी फिल्मों में तो वो पुरानी शराब की तरह और बेहतर होते चले गए। उनकी इस दूसरी पारी में 2 x 4, 102 नॉट आउट, कपूर एंड सन्स, ऋतिक रोशन वाली अग्निपथ जैसी फिल्में उल्लेखनीय हैं। जिंदगी का उनका ये सफर कैंसर के कारण 30 अप्रैल 2020 को थम गया। आखिरकार ऋषि इस दुनिया को अलविदा कह गए। बॉलीवुड नारद का मानना है कि सही मायनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला चॉकलेटी लवर बॉय ऋषि कपूर ही थे। आपकी ऋषि कपूर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।